बाबा साकार हरि के पास करोड़ों का साम्राज्य है। मैनपुरी से लेकर नोएडा दिल्ली तक और यूपी से उत्तराखंड तक बाबा का साम्राज्य है। बाबा पर आरोप है कि उसने कानपुर के करसोई गांव में 7 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया था। खोड़ा से निकलकर बाबा बनने वाले सूरजपाल की ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। साकार हरि का साम्राज्य। पुलिस का बर्खास्त सिपाही कैसे बना करोड़ों के साम्राज्य का मालिक? बाबा साकार हरि के पास कहां से आया इतना पैसा? पटियाली के छोटे से गांव से निकलकर कैसे बन गया बाबा? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं। ये वो सवाल हैं जो खोड़ा से निकलकर सूट बूट पहनने वाले कथित बाबा को लेकर उठ रहे हैं। ये बाबा का आश्रम है, तकरीबन 21 बीघा में बाबा का यह पूरा आश्रम फैला हुआ है। एयर कंडीशनर यह आश्रम है, जिसमें बड़ा सा हॉल है, और कुल इस 21 बीघा आश्रम की जो खाली जमीन की कीमत है वो अकेले 17 करोड़ है। इस पूरे आश्रम की जो मिल्कियत की जो कीमत है वो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास की है। तो अब आप ऐसे में आप ये देखिए कि बाबा का ये जो पूरा साम्राज्य है यहाँ पर अकेले मैनपुरी में, ये इतना विशाल का साम्राज्य है कि बाबा का करोड़ों का साम्राज्य बनवा के बाबा ने यहाँ पर मार्बल की पट्टी से पूरे अपने साम्राज्य को यहाँ पर तैयार किया था। और अकेले यहाँ पर मैनपुरी में नहीं, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, और उसके अलावा नोएडा, कई जगहों पर बाबा का ऐसा ही करोड़ों का साम्राज्य है। पहले मैनपुरी के इस आश्रम की तस्वीरें देखिए। 30 एकड़ में फैले इस आश्रम में बाबा का दरबार सजता है। यहाँ किसी देवता की मूर्ति नहीं है, लेकिन बाबा के महिमा मंडन में कोई कमी नहीं है। दावा है कि बाबा के इस आश्रम में हर दिन 12,000 से ज्यादा भक्त पहुँचते हैं। बाबा के कुछ करीबी लोगों का दावा है कि उसका साम्राज्य सिर्फ हाथरस मैनपुरी तक नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में उसके भक्त फैले हुए हैं। देखिए, ये बाबा का आश्रम है। इस बाबा के आश्रम में आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा के आश्रम में किस तरह से लोग हैं, किस तरह से गाड़ियों का काफिला है। बाबा महंगी महंगी गाड़ियों के काफिले का बहुत ज्यादा शौकीन था। तो यहाँ पर आपको लगातार आप यहाँ पर आप देखेंगे भी तस्वीरों में कि किस तरह से बाबा की जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जो उसके काफिलों में चलती थी दर्जन भर गाड़ियां, वो सभी यहाँ पर लगातार खड़ी हैं। कथित बाबा साकार हरि लंबे चौड़े काफिले के साथ चलता है। उसके साथ गाड़ियों की एक पूरी फौज चलती है, लेकिन वो मीडिया और कैमरों से दूरी बनाकर रखता है। रात को वहाँ पे ऐसा ही मौसम था, रात को मैं घर पे नहीं आ पाया तो मैं रात को वहाँ सोया था। भंडारे में भाई लोगों ने गद्दा बिछा दिया था, तो मैं वहाँ रात को सोया। सुबह उठा तो मेरे पैरों में दर्द था ना, वो वास्तव में सत्य बात है कि वो बिल्कुल सही हो गया। बाबा का साम्राज्य सिर्फ मैनपुरी और उसके आसपास ही नहीं है, बल्कि नोएडा में भी उसकी आलीशान कोठी है। हालांकि यहाँ किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। नोएडा से जो बसें भर भर के गई थी वो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर, जबकि अगर मैं ईंटों की तरफ भी देखूँ तो मुझे बाबा के घर के सामने जो ईंटों पर एक अंकित चीजें नजर आ रही हैं, वो भी यहाँ पर उनके घर के बाहर जो ईंटें पड़ी हैं उस पर तक बाबा लिखा हुआ है। अब ये किस तरह से आप देखिए, जो एक साम्राज्य सा था उसको तैयार किया गया है, और वो नोएडा से लेकर आप सोचिए आसपास के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो अनुयायी एक तरह से फॉलोअर्स हैं वो मौजूद हैं आज की तारीख में भी। सूरजपाल उर्फ साकार हरि के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी ये है कि वो आम संतों की तरह बाबा नहीं है। वो भगवा नहीं पहनता, बल्कि सूट बूट में रहता है। साकार हरि कोट पैंट के साथ टाई पहनता है। उसके सूट बूट का रंग भी हमेशा सफेद होता है। सिर पर सफेद टोपी के साथ ही रंगीन चश्मा और सिंहासन उसकी खास पहचान है। उसके सत्संग में उसकी पत्नी भी हमेशा साथ में रहती है। इस बाबा के बारे में एक खास बात यह भी है कि ये सोशल मीडिया से दूर रहता है। हालांकि इसके पीछे उसका तर्क है कि वो सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा के अधिकतर भक्त अनपढ़ और दबे कुचले वर्ग के होते हैं। वो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, इसलिए वो इस तरह के प्रपंच रचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बाबा का विशाल काय साम्राज्य दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये जो सफेद रंग का आपको ये पूरा आश्रम दिख रहा है, ये आश्रम कम बाबा का साम्राज्य ज्यादा है। जहां पर बड़ा सा एक लॉन है, हॉल है,
कुल 8 कमरे हैं और उसके अलावा हर कमरे में लगभग लगभग एयर कंडीशनर है। इस वक्त यहाँ पर स्थिति यह है मैनपुरी में कि बारिश हो रही है तो बिजली नहीं आ रही है, लेकिन बाबा के वहाँ बिजली की पूरी व्यवस्था है, जनरेटर चालू है और बाबा के इस आश्रम में पूरी तरह से 24/7 बिजली की पूरी व्यवस्था है। आश्रम पर अगर सामने की ओर आप देखेंगे तो बाबा की और उनकी पत्नी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है जो गवाही देती है इस चीज़ की कि बाबा इस पूरे आश्रम को अपनी सार्वभौमिक संपत्ति एक तरह से मानता है। और ये कुछ स्थिति है यहाँ पर बाबा के इस विशालकाय साम्राज्य की। हालांकि बाबा का विशालकाय साम्राज्य भी दो हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा तो वो जहाँ पर खुद बाबा रहता है, जिसमें बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा एक गार्डन है, 8 कमरे हैं, उसमें एसी लगा हुआ है, और ये है बाबा के साम्राज्य का दूसरा कक्ष। इस दूसरे कक्ष में क्या है कि यहाँ पर टूटी फूटी एक पूरी इमारत है जिसके ऊपर प्लास्टर भी नहीं है, यहाँ पर बाबा के सेवादार और भक्त रहते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि बाबा इसी इमारत के, इसी आश्रम के भीतर मौजूद है, अपने साम्राज्य के भीतर मौजूद है, बाबा के अनेक भक्त भी यही दावा कर रहे हैं कि बाबा इसी के भीतर है, तो वैसे में ये देखना होगा कि बाबा के इस विशालकाय साम्राज्य का आखिर क्या प्रयास निकलता है। क्योंकि ये जो बाबा का पूरा विशालकाय साम्राज्य इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये कुल 21 बीघा में फैला हुआ है। जी, कुल 21 बीघा में। और इसकी अगर कीमत की हम लोग बातचीत करें तो खाली जमीन की कीमत 17 करोड़ के आसपास है, और इस पूरी इमारत की अगर मार्केट वैल्यू पर अगर कीमत को अंदाजें तो ये 50 करोड़ से ज्यादा की है। यानी बाबा का ये पूरा साम्राज्य अकेले मैनपुरी में, जहां की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, करोड़ों का ये पूरा साम्राज्य है। और ये साम्राज्य तब है जब बाबा ये दावा करता है कि वो ना अपने भक्तों से दक्षिणा लेता है, ना उनसे किसी भी तरह का भोग लेता है, लेकिन बिना किसी दक्षिणा के और बिना किसी उसके बाबा ने करोड़ों का साम्राज्य यहाँ पर मैनपुरी में खड़ा कर रखा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मैनपुरी।